कांग्रेस ने दशकों से हरियाणा सहित पूरे देश में ऐसी करप्ट मानसिकता और करप्ट सिस्टम को विकसित किया है। हरियाणा तो कांग्रेस के करप्शन का बहुत बड़ा गढ़ रहा है। दिल्ली के अपने साम्राज्य का बड़ा हिस्सा कांग्रेस ने एक प्रकार से हरियाणा के किसान और यहां के नौजवानों के हक को मार करके खड़ा किया हुआ है। यही कारण है कि जब भ्रष्टाचार के बुलबुले फूटने लगते हैं तो कांग्रेस के नेता जरा तिल मिला जाते हैं, अनाप शनाप बोलने लग जाते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान मैंने कहा था कि देश को लूटने वाले को, मैंने कहा था कि गत 5 साल देश को लूटने वालों को मैं जेल के दरवाजे तक ले आया हूं और आने वाले 5 साल में वो अंदर चले जाएंगे और शुरुआत हो चुकी है। और जब मैं कहता था कि जिसने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा तो ये सीना तान करके मुझे कहते थे, अगर मोदी के पास सबूत है तो करके दिखाएं, मोदी के पास सबूत है तो करके दिखाएं, दिखा दिया ना। अब जब इनके बड़े बड़े सुरमा तिहाड़ जेल पहुंच रहे हैं तो फिर रोते फिर रहे हैं। आप आश्वस्त रहिए, जिसने देश को ठगा है वो अब बचने वाला नहीं है। ये पैसा आपका है, ये आपका हक है, हिंदुस्तान के नागरिकों का हक है, हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी का हक है और आपके हक की रक्षा के लिए ही मोदी मैदान में है।